दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ मनीष शर्मा फिटनेस चैनल पर। और आज हम दोस्तों लेग प्रेस एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, देखेंगे क्या सही पोजीशन और सही फॉर्म होनी चाहिए इसे लगाने की, जिससे कि हमारे टारगेटेड मसल पर प्रेशर क्रिएट हो और हमारे मसल साइज गेन करने में हमें हेल्प मिले। क्योंकि मैंने देखा है जिम में बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं, जिससे कि इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको जितने रिजल्ट मिलने चाहिए उतने रिजल्ट आपको मिलते नहीं हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसे किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर देखें, आप जो वेट लगा रहे हैं क्या उस वेट से आप 5 रेपिटेशन खुद लगा सकते हैं। देन 5 के बाद आपको हैवी फील होना चाहिए, टफेस्ट फील होना चाहिए और 10 से 12 रेपिटेशन मिनिमम आपने उसके लगाने हैं, उतना हैवी वेट आपने लेना है। बहुत सारे लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट ले लेते हैं और पहले ही रेपिटेशन में हेल्प लेना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं उन्हें मिलेगा दोस्तों और इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो मैंने वेट दोस्तों ऑलरेडी लगा लिया है, वेट मैं लगा चुका हूँ और अब हम देखेंगे कि क्या सही पोजिशन होनी चाहिए इसे लगाने की। सबसे पहले दोस्तों हमने जो अपनी बैक है वो बिल्कुल इसके साथ चिपका के लगा देनी है और जो हमारे फीट हैं ये पैरेलल टू द शोल्डर होने चाहिए। इसमें दोस्तों पोजीशन जो है वो हमारी हाई, मीडियम या फिर लो रह सकती है। जैसे जैसे हम पोजीशन को चेंज करेंगे हमारे जो टारगेटेड मसल हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसकी सही पोजीशन की बात कर रहे हैं, सही फॉर्म की, तो हम दोस्तों पैरेलल टू द शोल्डर और मिडल में रखेंगे अपने फीट को यहाँ पर। और जब आपने इसको लिफ्ट करना है दोस्तों तो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, बहुत सारे लोग हैवी वेट डालने के बाद अपने नी के ऊपर हैंड के साथ पुश करते हैं, हेल्प लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, ऐसा ना करें। आपने यहाँ पर ग्रिप, इस ग्रिप को पकड़ना है और यहाँ से पहले आपने लॉक खोल लिया, यहाँ से अपने ग्रिप को पकड़ना है और दोस्तों जब इसे हमने नीचे लेके आना है तो स्लो टेम्पो के साथ लेके आना है, धीरे धीरे नीचे लेके आना है, बहुत तेज़ी से नीचे नहीं लेके आना है, इस तरह से नीचे लेके आना है। और जब नीचे लेके आएंगे तो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा नीचे लेके आएंगे तो हमारे जो मसल हैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और जल्दी वो गेन होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा इसको नीचे लेके आते हैं तो आपकी लोअर बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो बेंड हो जाती है और लोअर बैक में इंजरी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा इसे नीचे लेके आएंगे तो कुछ इस तरह से आपका जो लोअर बैक है, आपके ग्लूट्स आपकी इससे बेंड से उठ गए हैं और आपकी लोअर बैक जो है ये भी बेंड हो गई है। तो यहाँ पर अगर आप सोचें कि आप इस पोजीशन में करेंगे और आपके मसल जल्दी गेन होंगे तो ये बिल्कुल गलत है, मसल गेन नहीं होंगे बल्कि आपको इंजरी हो जाएगी। सो ऐसे बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना है, इसे आपने बिल्कुल स्लो टेम्पो के साथ नीचे लेके आना है धीरे धीरे, और सिर्फ इतना नीचे लेके आना है आपने इसे, जिससे कि आपकी जो ग्लूट्स हैं वो उठे ना सीट से और आपकी जो लोअर बैक है ये बेंड ना हो। फिर आपने इसे थोड़ा सा, आप इसे स्पीड से ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन ऊपर लेके जाते टाइम भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने नी लॉक नहीं करना है। नी लॉक अगर आप करते हैं तो आपको नी में पेन हो सकती है और आपका जो प्रेशर है आपके मसल से वो हट जाएगा। सो इसे आपने लॉक नहीं करना है, आपने इसे इस तरह से परफॉर्म करना है। ये सही तरीका है दोस्तों, इस तरह से जब आप इस लेग प्रेस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, हाई, मीडियम, लो रख सकते हैं, इससे क्या है आपके जो टारगेटेड मसल हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको कीजिए और आप 3 महीने करके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस था, क्या आप पहले करते थे और कैसे अब आप कर रहे हैं, तो क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।